नमस्कार दोस्तों दोस्तों हर एक सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए आप मुझे अन अकेडमी लर्निंग ऐप पर फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको हर एक सरकारी नौकरी की अच्छे से प्रेपरेशन करवाई जा रही है। उसके लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर पर जाकर आपको अन अकेडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अन अकेडमी का लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पर ओके करके आप मुझे फॉलो कर पाएंगे। सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब चैनल को, दबाइए बेल बटन हर सरकारी नौकरी की जानकारी सबसे पहले लेने के लिए। तो गाइज, आज की जो बड़ी खबर है वो पंजाब पुलिस की भर्ती को लेकर है। सारे बच्चे 1.5 साल से ऊपर हो चुका है, काफी टाइम से वेट कर रहे थे पंजाब पुलिस की भर्ती का। पहले कहा गया था जुलाई 2017 में आएगी, देन मार्च 2018 में बोला गया, फिर नवंबर 2018 में बोला गया, लेकिन अभी तक उसका कुछ भी अपडेट नहीं है। और लास्ट टाइम सुनने में यही आया था कि गवर्नमेंट का बजट नहीं बन पा रहा है, सो भर्ती नहीं हो पा रही। लेकिन जो कल 13 सितंबर 4:40 पे न्यूज आई है टाइम्स ऑफ इंडिया में, मैं आपको लिंक दे दूंगी, इसको सारा आप पढ़ लेना। मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ, ये सारा आप पढ़ लेना। यहाँ पे देखिए उन्होंने क्या बताया हुआ है कि 150 से ज्यादा जो इंजीनियर है इन्होंने भर्ती किए हैं, एज अ कॉन्स्टेबल भर्ती की है एमटेक और बीटेक डिग्री वालों को, राइट। तो आप सारा पढ़ लेना, मैं आपको शॉर्टकट में सारा बता देती हूँ। एक सीनियर ऑफिसर ने ये इनको बताया थर्सडे को, और इन्होंने अपनी जो ट्रेनिंग है वो कल कंप्लीट कर ली है 9 मंथ की। अब 9 मंथ की ट्रेनिंग अगर कंप्लीट की है तो इनकी भर्ती हुई कब, बात भी है। और देखिए कमांडेंट जो ट्रेनिंग सेंटर राजपाल सिंह संधू है, इन्होंने ये कहा। और आईजी जो राम सिंह है, इन्होंने परेड में भी पार्टिसिपेट किया जो मार्च पास्ट में, और 257 ट्रेनिंग के लिए। और राम सिंह जो है इन्होंने पार्टिसिपेटेड है जो उनको पास होने वाले जो परेड में पार्ट लिया, और उसके बाद इन्होंने क्या, राम सिंह है जो इन्होंने कॉन्स्टेबल्स को ऑनेस्टी के साथ अपनी अपना काम करने, अपनी ड्यूटी के लिए और अपनी ड्यूटीज का निपटारा करने के लिए और पंजाब पुलिस की मतलब जो शान है उसका समर्थन करने की इनको एडवाइस दी है। उन्होंने ये भी कहा ट्रेनिंग सेंटर में फिजिकल एक्सरसाइज, ड्रिल, हथियार हैंडलिंग एंड शूटिंग में मतलब सिखलाई इनको दी गई है। और 1993 में जैसे कि स्टार्टिंग से लेकर अभी तक 60,000 से ज्यादा सिपाहियों को कानून और आईटी जैसे विषयों पढ़ाने के अलावा, मतलब बात ये है कि बच्चे काफी टाइम से वेट कर रहे हैं और भर्ती ये कब निकलेगी। और ऐसे भी है कि कुछ बच्चे ओवर एज हो जाएंगे, फिर ये एज रिलैक्सेशन भी नहीं देंगे। तो अब आज की जो यूथ है, बॉयज गर्ल्स दोनों, वो ही कुछ कर सकती है। इस वीडियो को पूरे पंजाब में शेयर कीजिए, और आपको अपने आपका जो राइट बनता है आपको बोलना चाहिए इस चीज के लिए, इकट्ठे होके तभी जाके भर्तियां निकल पाएंगी। ऐसे तो कुछ बच्चे ऐसे भी है, मेरे पास कमेंट आते हैं, मैं हमेशा पढ़ती हूँ, लेकिन अब रिप्लाई भी क्या करें, क्योंकि भर्ती तो पंजाब गवर्नमेंट ने ही निकालनी है। तो वो ये भी बोलते हैं कि हमारी एज 32 हो गई है, अगर 20 में निकली हमारी 33 हो जाएगी, फिर अगर 21 में निकली तो हमारी 34-33 हो जाएगी। तो बात भी सही है, लेकिन आपको ही कुछ करना होगा, और आपको ये वीडियो को पूरे पंजाब में शेयर कर देना है ताकि पंजाब गवर्नमेंट तक ये वीडियो पहुंच जाए और वो भर्तियां जल्दी से जल्दी निकाले। और अब आप ही मतलब कुछ कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं पंजाब पुलिस में अपनी नौकरी पाना, राइट। तो फ्रेंड्स, यही था इस वीडियो का बनाने का मोटिव कि मैं आपको जागरूक कर पाऊँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। प्लीज अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर जरूर किया कीजिए, ताकि उनको भी पता लग सके कि हमारे पंजाब में हुआ क्या है, कब भर्ती होनी है या नहीं होनी है, राइट। तो फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।